भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर शुरू कर दी बड़ी योजना। अगर आपका भी है यूपी से वास्ता तो आपके खाते में भी आएंगे 10,000 रुपए। इस विभाग में जानिए, कागज और एप्लीकेशन लगाइए और 10,000 चेक लेकर वापस आइए। अभी समझ लीजिए पूरी योजना और उठा लीजिए लाभ। अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके खाते में 10,000 की मोटी रकम आने वाली है। अब ये कैसे होगा और किस तरह से ये रकम आएगी, ये जानने के लिए आपको खबर के तह तक जाना होगा और समझना होगा कि आप क्या क्या योग्यता पूरा करके ये रकम अपने खाते में मंगवा सकते हैं। इस खबर में सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी फसलों को पानी देने के लिए कुआं खोदने के लिए पैसा दे रही है। इसमें दी जाने वाली धनराशि किसान की भूमि के आकार और अगर वो किसी विशेष समुदाय से जुड़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत छोटे छोटे किसानों को 4,500 रुपए, मिडिल क्लास के किसानों को 6,000 रुपए और SC ST समुदाय के किसानों को 10,000 रुपए की सरकारी सहायता दी जाएगी, ताकि उनको फसल उगाने के लिए पानी मिले। वैसे भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों की मदद करने के लिए काफी सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं, जिसके द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी तरह की योजनाओं में ये पानी से जुड़ी योजना भी आती है। इस योजना का सीधा मतलब है कि सरकार किसानों को उनकी फसलों को पानी देने के लिए कुआं खोदने के लिए उनकी योग्यता अनुसार पैसा दे रही है। फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को पंप खुद खरीदना होता है। सरकार की इस मदद को पानी के लिए किसानों के पास कम से कम 0.2 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। ये योजना एक नहीं बल्कि कई लिहाज से उपयोगी होगी। सबसे पहले तो ये कि इस समय भी बहुत सारे ग्रामीण ऐसे हैं जो अभी भी आसमानी बारिश पर निर्भर करते हैं, यानी अगर बारिश कम हुई तो फसल चौपट। बस इन्हीं सबके दुष्परिणामों से बचने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर ये योजना बनाई है, ताकि किसान अपनी फसलों को अच्छी पैदावार कर सके और अपने साथ देश को भी लाभ दे सके। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सिंचाई विभाग की वेबसाइट पर जाकर बताना होगा कि आपके पास कितनी जमीन है, आपके खाते में कितना रुपया है, आपको पानी मिलने में क्या दिक्कत होती है। इसी के साथ आपको इस योजना का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र भी देना होता है, जो कि ये दर्शाता है कि आप किस समुदाय से आते हैं, ताकि इस बात पर मोहर लगा सकें कि आपको जल आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि दी जाए। इसी के साथ आपको अपनी खेती के लिए एक फोटो भी देनी होगी, ताकि ये पक्का हो जाए कि आप अपनी खेती पर फसल ही उगाते हैं, कोई अन्य कार्य नहीं करते। और इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड भी देना होगा, ताकि ये जानकारी हो सके कि आप इस योजना का लाभ केवल एक बार ही ले रहे हैं। और सबसे खास बात, अगर आप इस योजना का लाभ ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो आपको सीधे सिंचाई विभाग जाकर एप्लीकेशन दे देनी चाहिए और ऐसे भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। वैसे भारत सरकार की योजना को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, क्या ये योजना वास्तव में किसानों के लिए रामबाण होगी? आप जहां रहते हैं वहां पर पानी की कितनी समस्या है, क्या ये योजना उस समस्या का समाधान करने में सक्षम है, क्या आपने भी इससे पहले इसका लाभ लिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज। Thank you.